हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन को एक LED स्क्रॉलर के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर जो आप किसी भी स्टेशन पर जाते हैं या फिर किसी बस पर देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक LED स्क्रॉलर चलता रहता है और उसमें अगर जो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहता है या फिर कोई डिटेल होती है वो हमें दिखाई देती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई शॉप वाले भी इस तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर जो आप भी अपने पुराने एंड्रॉइड फ़ोन को अगर जो LED स्क्रॉलर के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एंड्रॉइड, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन को LED स्क्रॉलर के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए ओपन कर लेता हूं मैं अपना गूगल प्ले स्टोर, और अब इसके ओपन होते ही हमें यहाँ पर टाइप करना है LED स्क्रॉलर। दोस्तों, इसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे हमारे सामने यहां पर एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है LED स्क्रॉलर प्ले, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन का यहां पर लोगो देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको और भी कई सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन आपको याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ इसका आइकन। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है ये 5 मिलियन बार डाउनलोड हो चुकी है और जो इसका जो साइज है लगभग 2.5 MB का है। दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन इस पर क्लिक करूँगा और अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इसे यूज करना है। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर से पहले टाइप किया हुआ है हेलो वर्ल्ड और ये यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो ये LED स्क्रॉलर होता है सेम वही है। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट देना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो हमें अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर अपना चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो चैनल का नाम है यहाँ पर ये स्क्रॉल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर है फर्स्ट में अगर जो हम ये आइकन रखते हैं तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, और अगर जो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। दोस्तों, अगर जो हम स्टॉप पर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉप हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का आइकन है, ये जो ये टेक्स्ट है इसका साइज बढ़ाने और घटाने के लिए है, तो मैं इसको भी फिलहाल इतना रहने देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद है टेक्स्ट कलर, तो हम ये जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड लग लेते हैं। और इसके बाद है बैक कलर, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसका कलर, तो मैं इसको भी यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है, रेड और ब्लैक सही रहेगा। और इसके बाद है ब्लिंक, तो हम अगर जो इस पर क्लिक कर देंगे तो जो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारा जो स्क्रॉलर है ये ब्लिंक होता हुआ जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। दोस्तों, इसके बाद जो ये स्पीड है, इस स्पीड को भी हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी स्पीड यहाँ पर बढ़ चुकी है, और अगर जो हमें स्लो रखना है तो हम यहाँ पर स्लो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो मिनिमम है जो सफिशियंट है उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और इसके बाद जो स्क्रॉल हो रहा है इसको मैं राइट टू लेफ्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये चल रहा है, और इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, स्टार्ट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने जो यहाँ पर जो टाइप किया हुआ था वो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई भी चैनल या फिर अपनी शॉप का नेम, कुछ भी अगर जो हमें कोई भी एडवर्टाइज देना है तो वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और शॉप पर या फिर कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं, अपने एंड्रॉइड फ़ोन को यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और अपना एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर LED स्क्रॉलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। Thanks.